रिसेंटली HSF को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके बारे में शायद आप लोगों को पता है। एक एथलीट ने ऐसा क्लेम किया कि उन्हें मारा गया है, उनके साथ बदसलूक किया गया है और एक वीडियो भी हमने देखा जहां पर कुछ ऐसा ही दिखने को मिल रहा है। उसे क्लैरिफाई करने के लिए जीतसलाल सर ने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसे देखकर ना मेरे माइंड में कई सारे डाउट्स आ रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स या फिर फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे, जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है ये डाउट्स आपके मन में भी रह गए हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, HSF में कंट्रोवर्सी क्या हुआ, कौन सही है कौन गलत है, वो मेरे हिसाब से अब मैटर नहीं करता है बिकॉज द शो इज ओवर और मैं इस वीडियो में इस बारे में कोई चर्चा नहीं करने वाला हूँ। बट जीतसलाल सर ने अपने लास्ट वीडियो में ये मेंशन किया था कि HSF में जितने भी एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है उन सभी का टेस्टिंग किया गया है। कि मेरे हमारे प्लेटफॉर्म में हर एक बंदे का ड्रग टेस्ट हमने किया, जबकि हमें एक दूसरे चैनल पे एक दूसरा वीडियो देखने को मिला जो एक्चुअली शो डे व्लॉग था और उस वीडियो में चैनल के होस्ट ने सात्विक पांडे जी का एक इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में पांडे जी ने तो कुछ और ही स्टोरी बताया। तो डोप टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, डोप टेस्ट हो रहा है बट सबका नहीं हो रहा है। देखिए, अब कॉस्ट कटिंग भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है जब आप शो चला रहे हो, आप लॉस में जाकर के कोई शो नहीं कर सकते। सो जैसा कि सात्विक जी ने बोला कि वहाँ पे टेस्ट सभी का नहीं हो रहा था, रैंडमली टेस्ट किया जा रहा था और जैसा जीतसलाल सर ने अपने वीडियो पर बोला कि HSF में पार्ट लेने वाले हर एथलीट को टेस्ट किया गया है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि देखिए, अगर टेस्टिंग सभी का हुआ है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब है ईच एंड एवरी एथलीट हु टू पार्ट इन दैट शो हैड गॉन थ्रू द टेस्ट। बट अगर टेस्टिंग रैंडम हुआ हो तो एक छोटा सा चांस भी रह सकता है कि एक एनहांस्ड एथलीट में स्लिप ऑन, वो चाहे उसको पोजीशन मिले या ना मिले। और सात्विक जी ने ये भी बोला था कि जिन एथलीट्स को यहाँ पे पोजीशन मिलेगा बाद में साल में कभी भी उनका टेस्ट किया जाएगा। सो टू बी वेरी फ्रैंक, एक बार शो हो जाने के बाद, पोजीशन मिल जाने के बाद, क्या सच में बाद में एथलीट्स को टेस्ट करवाया जाएगा? और सपोज किसी एथलीट का टेस्टिंग शो से पहले नहीं हुआ, उसने कम्पीट किया, उसको पोजीशन मिला और बाद में जब टेस्ट करवाया गया तब उस टेस्ट में वो फेल हो गया और उसने ये बोला कि जब HSF हुआ था तब वो नेचुरल था बट उसको इन फ्यूचर कोई बड़ा गेम, फॉर इंस्टेंस शेडू क्लासिक खेलना है, उसके लिए उसने एनाबोलिक स्टार्ट किया, तब HSF की तरफ से क्या किया जाएगा? क्योंकि उनके पास तो उस बंदे का प्रीवियस कोई ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं होगा। मान लिया कि उसका टाइटल उससे वापस ले लिया जाएगा, बट आप एक चीज सोचो, अगर फर्स्ट प्लेस में ही सभी का टेस्ट करवाया जाता तो एक रियल डिजर्विंग बंदे को ही पोजीशन मिलता। देखो गाइस, आई पर्सनली बिलीव कि रूल्स ना सभी के लिए सेम होना चाहिए एंड आई होप कि HSF में जितने भी एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था सभी से सेम रजिस्ट्रेशन फीस ही लिया गया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अगर आपका ब्लड टेस्ट होगा तो आपके लिए फुल रजिस्ट्रेशन फीस और अगर आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा तो आपको कोई अमाउंट रिफंड किया जाएगा, ऐसा आई होप नहीं हुआ है। और जब आप ट्रेडिशनल वे से हटकर अपना एक अलग बेंचमार्क सेट करना चाहते हो लाइक जीत सर, तो मेरे हिसाब से यू शुड स्टिक टू योर कमिटमेंट्स फर्मली। नेक्स्ट, एक बात जो जीत सर ने अपने वीडियो में बोला उसी को लेकर मुझे सबसे ज्यादा डाउट है। उन्होंने बोला कि HSF का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन था कि एथलीट्स का जो ब्लड वर्क रिपोर्ट होगा दैट विल बी डिस्क्रीट। जब आप रीड करते हो ना, आई रीड दिस टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज, ड्रग टेस्टिंग पॉलिसीज, तो इसका मतलब है आप एग्री करते हो जो उसमें लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि ऑल द रिपोर्ट्स विल बी कॉन्फिडेंशियल। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जीत सर हर दूसरे बंदे को एथलीट्स का ब्लड वर्क रिपोर्ट दिखाते नहीं फिरेंगे, बट जैसा कि उन्होंने बोला कि कहीं हमारा नाम जो हमारी गैलरी ऑफ शेम है वेबसाइट उसमें ना आ जाए, ठीक वैसे ही जिन एथलीट्स ने ब्लड टेस्ट क्लियर किया है या फिर जिन एथलीट्स को शो में पोजीशन मिला है उनका ब्लड वर्क रिपोर्ट एक सोशल प्लेटफॉर्म में डिस्क्लोज ना करने का क्या रीजन है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, बल्कि मेरे हिसाब से तो इससे उनके शो का गरिमा और भी बढ़ता। फाइनली गाइज, मैं इतना ही बोलूंगा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ जीतसलाल सर और उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है ना नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करने का, उसके लिए आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे जैसा एक छोटा यूट्यूबर क्या डाउट लिए बैठा
रहता है दैट एक्चुअली डजंट मैटर टू हिम और एनीबॉडी एल्स आई गेस। बट मैं भी खुद एक एथलीट हूँ और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करता हूँ, और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगा दैट माई डाउट्स आर टू द पॉइंट और ये वैलिड है तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, और कुछ भी अगर आपको मुझसे बोलना है मेरे इन डाउट्स के अगेंस्ट देन कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। और जहां तक बात है HSF की, तो एज अ पर्सन जीत सलाल सर इज रियली ग्रेट, देयर इज नो डाउट टू दैट, बट एज अ शो HSF नीड्स सम मॉडिफिकेशंस। अदरवाइज जो सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शोज है ना, उनसे इसका कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपने वीडियो को इंजॉय किया तो प्लीज जाने से पहले लाइक करना, और अगर नए हो मेरे चैनल पे तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए और मेरे YouTube फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए। उसके पास जो बेल आइकन है उसे दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल कीजिए ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना कर जाए। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। टिल देन टेक केयर ऑल।